हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है नाश्ते में पोहा। पोहा बनाना काफ़ी आसान भी होता है और टेस्टी भी लगता है और कंप्लीट नाश्ता भी हो जाता है। और इसमें थोड़ी सी सब्जियां डाल दें तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पोहा। पोहा बनाने के लिए पहले से चुड़ैल को भिगो देने से पोहा बहुत ही अच्छा बनता है। और इसके लिए मैंने एक बड़े बाउल से लिया है मैंने पोहा, और उसको दो एक से दो बार हमने इसको धुल लेंगे। और धुलने के बाद इसको स्ट्रेनर में डाल देंगे जिससे इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाए। फिर इसको बाकी तैयारी करेंगे, जितने उसी हिसाब से ही हमारा पोहा भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने रख दिया है इसमें एक चम्मच ऑयल कढ़ाई में, और इसमें मूँगफली को हमें सेक लेना है। तो मूँगफली को सेक लेंगे, अगर आपको मर्जी हो मूँगफली डालने की तो आप उसको मूँगफली को उसमें फ्राई कर लें, अगर नहीं हो तो फिर डायरेक्ट आप पोहा बना लें। इस तरह से 5 मिनट 6 मिनट लगेगा इसको सेकने में, और अच्छा सा क्रिस्पी होने तक करने के बाद इसको निकाल लेंगे। थोड़ा ऑयल ज़्यादा था तो मैंने इसमें से निकाल दिया 1 से 2 चम्मच, और इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून राई और 2 हरी मिर्च और लिया करी पत्ता। करी पत्ते को मैंने थोड़ा छोटे टुकड़े में काट लिया है, और थोड़ा सा इसको भून लेंगे पहले कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए उसमें। फिर इसमें डाल दिया है प्याज, 1 प्याज लिया मैंने, पोहे के हिसाब से ही प्याज लेंगे, और उसी हिसाब से इसको फ्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। और इसमें डाल दिया 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1/2 गाजर भी लिया है इसमें, और भी कोई सब्जियां डालनी हो तो डाल सकते हैं इसमें। और नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून और हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून। पहले थोड़ा सा भून लेंगे इसको, फिर इसमें डाल देंगे पानी 1/2 कप के करीब, और फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो 5-6 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दें। फिर इसको मैंने खोला है, इसमें मैंने हरी धनिया डाल दिया है, और इसमें डाल दिया है मटर, ये फ्रोजन मटर है, 1/2 कप के करीब लिया है इसको। और जब भी इसमें जुड़वा डालना हो तो ये जो सब्जियां हैं जो दिखाई दे रही हैं इसमें नमी होना चाहिए, हल्का सा पानी रहना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, तभी हमारा पोहा अच्छा खिला खिला बनेगा और ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। सब्जियों को बहुत ही ज़्यादा ड्राई करके फिर अगर हम डालेंगे तो हमारा पोहा जब रेडी होगा तो काफ़ी ड्राई बन जाएगा। और फिर इसमें नमक ले लिया है, नमक को 2 बार करके ही डालें, सब्जियों में अलग डालें, चुड़वे में अलग डालें, इससे दोनों में अच्छा बैलेंस हो जाता है। और इसमें मूँगफली डाल दिया है, और इस तरह से इसको चला लेंगे, जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर कर देने से पोहा जो होता है काफ़ी खिल जाता है और सॉफ्ट भी रहता है, बहुत ही ज़्यादा देर तक पोहे को गैस पर नहीं रखें। और इसमें अच्छा सा टेस्ट आने के लिए पोहे में हल्की सी चीनी भी डाली जाती है, और आपको पसंद हो तो डालें, नहीं हो तो ना डालें, और पसंद ना हो तो ना डालें। और इसमें लेमन जूस डाला जाता है और अमचूर पाउडर, इससे एक बैलेंस हो जाता है, खट्टा मीठा तीखा ये पोहे का टेस्ट होता है, इसी से पोहा अच्छा लगता है। ये अभी हमारा पोहा तैयार हो गया है, मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। तो पोहा काफ़ी खिला खिला बनता है। अगर ऐसा लगता है कि आपका पोहा काफ़ी ड्राई हो रहा है तो हल्का सा पानी के छींटे देकर और उसको कवर कर दें तो भी हमारा पोहा अच्छा बनता है। इसमें मैंने नमकीन लिया है और थोड़ा सा टमाटर और हरे जो कच्चा प्याज होता है उसके साथ मैंने सर्व किया है। आप इस तरीके से पोहा बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको कैसा लगा यह पोहा रेसिपी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।